कच्चे टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने दो टमाटर लिया है और इस प्रकार की जाली लिया है। आपको जाली आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा, 100 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगी ये जाली। तो गैस चूल्हे पे हम जाली को रख के टमाटर को रखेंगे और एक साबुत लहसुन हम डालेंगे इस पर, उसे भी पकाएंगे। तो बारी बारी से हम इसे पलट कर पकाएंगे। तो ये देखिए लहसुन भी हमारा सिक रहा है। तो इसी प्रकार से हम टमाटर को भी बारी बारी से पलट के पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा लहसुन ये लगभग पक चुका है, टमाटर भी ये देखिए हमारा पक रहा है। तो इसी तरह से आप सारे टमाटर और लहसुन को पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा लहसुन पक चुका है। तो अब हम लहसुन को निकाल लेंगे, क्योंकि लहसुन को ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर जल जाएगी। तो ये टमाटर भी हमारा फाइनली पक चुका है। तो अब हम टमाटर के छिलके को हम निकाल लेंगे, जो जला हुआ ऊपर से छिलका है, तो उसे हम इसी प्रकार से निकाल के इसे धो लेंगे अच्छे से। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे कच्चे टमाटर की चटनी आग में सेक के, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है, जो कि रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने छील के और लहसुन को भी हम इसी प्रकार से छील के इसके सारे छिलके को हम निकाल लेंगे। तो ये फाइनली हमारा छीलने के बाद कुछ इस प्रकार से सारा तैयार हो गया है। तो हमने 2 सूखी मिर्च और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे मिक्सी जार में हम डालेंगे। अब तो हम टमाटर को और लहसुन, अदरक और लाल मिर्च को हम डाल के इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर लेंगे और नमक भी आप यहाँ पे ऐड कर लें, और नमक आप अपने स्वाद के साथ डालें। तो ये देखिए हमारा पिसने के बाद फाइनली इस प्रकार से ये तैयार हुआ है। तो ये फाइनली हमारा कच्चे टमाटर की चटनी बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।